हे गाइस, श्रीस स्टाइल चैनल में आप सभी का सुस्वागतम है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैंने purple.com से स्टे कुर्की का लिक्विड आईलाइनर परचेज किया है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करते हो तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरा वीडियो जरूर देखें। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि आप जितना शेयर करोगे उतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, और जितने व्यू बढ़ेंगे उतने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं थोड़ी बड़ी यूट्यूबर बन पाऊंगी। अभी मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया है, सभी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे ग्रो होता है। तो आप सभी को मेरी वीडियो देखने में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती हो या फिर मेरी कोई वीडियो आप सभी को पसंद नहीं आती हो, मैं कहीं किसी वीडियो में कुछ गलती करती हूँ, तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट्स करके बताया करो, मुझे सजेशन दिया करो मैं क्या कैसे वीडियो बनाऊँ। आप लोग कमेंट्स करके बताओगे तो मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आप जो कमेंट्स करते हो उसे पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो जरूर करना, और ना भी पसंद आती हो तो आप बताइए मेरी वीडियो में कहाँ क्या कमी है। तो मैं अपनी वीडियो अभी के स्टार्ट करूँ। दोस्तों, ये है स्टे क्विर्की का लिक्विड पेन लाइनर, अभी ये जस्ट न्यू निकला हुआ है। मैंने सारे यूट्यूबर का रिव्यू देखा, उसके बाद मैंने इसे परचेज किया, क्योंकि मेरी आईलाइनर जो है वो खत्म हो चुकी थी और मुझे परचेज भी करना था, अच्छा डिस्काउंट चल रहा था तो 300 के प्राइस में मैंने इसे परचेज किया। बट दोस्तों, मुझे ये किसी भी डब्बे के साथ नहीं मिला। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये बेला वोस्टे का ये काजल परचेज किया था तो ऐसे डब्बे के साथ मिला था, और जब मैंने यूट्यूबर का रिव्यू देखा था दोस्तों, तो उन सब ने बताया था कि उनको ये लिक्विड पेन लाइनर ऐसे डब्बे में मिला है, बट दोस्तों मुझे नहीं मिला, मुझे जस्ट ऐसे प्लास्टिक में रैप करके मिला, जस्ट प्लास्टिक में रैप करके मुझे मिला। पता नहीं क्यों, ये यूजेस प्रोडक्ट है या फिर क्या है पता नहीं। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे आएगा, और दोस्तों जैसे हमारा स्केच पेन रहता है ना, बचपन में हम लोग ड्रॉ किया करते थे ड्राइंग, ये जस्ट वैसी ही है। इसमें कुछ क्वांटिटी का हमें पता नहीं चलेगा, अंदर से ये कब सूख जाए, कब क्या हो, कितना यूज किया हुआ है, तो ये सब हम नहीं बता सकते हैं। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2018 है, एक्सपायरी 2021 है, तो ओके है दोस्तों, ये मेड इन जर्मनी है। और इस पे कुछ अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है वो इसके डब्बे पे रहता है, तो मुझे वो चीज नहीं मिला है। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि कितना पिगमेंटेड है। तो दोस्तों, ये इजिली ड्रो हो जाएगा, आप जैसे चाहो वैसे खुद देख सकते हो। बट दोस्तों, आप जब भी इसे लगाना तो इसे एकदम पुश करते हुए नहीं लगाना, हल्के हाथों से लगाना, तो जैसा चाहोगे वैसे होगा, लेकिन आप एकदम जोर से दबा के करोगे तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा होगा, आप खुद देख सकते हैं। तो पूरी हमारी जो आईलाइनर है लगाते टाइम वो बिगड़ जाएगी, और मैंने इसी आईलाइनर से अपने आई के ऊपर नीचे आईलाइनर लगाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे विंग आईलाइनर लगा के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये काफ़ी इजी तरीके से ड्रॉ हो रहा है। और मैंने यहाँ पे इस वीडियो का स्पीड एकदम फास्ट मोड में कर दिया है, इसलिए आप खुद देख सकते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। पर दोस्तों, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं लगा रही थी, ठीक ढंग से लगा रही थी, आपको वीडियो में काफ़ी जल्दी जल्दी दिख रहा होगा, ताकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी ना बने। तो इसके कलर की मैं बात करूँ तो इसका कलर जो है डार्क ब्लैक है, ईजी ड्रॉ हो जा रहा है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी सही है। देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से मैंने अपना विंग आईलाइनर लगा लिया है, तो बिगनर्स जो भी है वो इसे परचेस कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको इसे वाटर में रख के दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं ये वाटर रेसिस्टेंस है, ऐसे वाटर आने पे जो हमारा आईलाइनर है वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं बिखरा। बट मैंने अपने हाथों से इसे रब किया तो देख सकते हैं ये इजली पूरा निकल गया, तो ये वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर रेसिस्टेंस है। ये स्मच प्रूफ भी है, डार्क ब्लैक है, बट वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप इसे परचेज कर
करते हो तो 425 के प्राइस में बिल्कुल भी परचेज मत करना। डिस्काउंट टाइम पे आप इसे कम प्राइस पे 300-250 में मिले तो इजिली परचेज कर लेना। अगर 425 में परचेज करना तो हम लैक्मे का भी परचेज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो जो बिगनर्स है वो डिस्काउंट टाइम में इसे इजिली परचेज कर लो, मुझे सही लगा। और दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना।